ऑक्सीडेशन विद आइडोबेंजीन डाई एसीटेट और फेनिल आइडोसो डाई एसीटेट। तो फेनिल आइडोसो डाई एसीटेट जो है इज अ स्पेसिफिक रिएजेंट फॉर द ऑक्सीडेशन ऑफ कीटोन। जो ये रिएजेंट है वो ऑक्सीडेशन ऑफ कीटोन है, स्पेसिफिकली ऑक्सीडेशन ऑफ कीटोन के लिए है। ठीक है, तो इसमें जो कीटोन जो है वो ऑक्सीडाइज होके हमें क्या प्रोडक्ट देता है, मतलब कीटोन ऑक्सीडेशन होकर हमें क्या मिलता है, वो हमें मिलता है एक्लोइन। ठीक है, कीटोन कन्वर्टेड इनटू एक्लोइन इन द प्रेजेंस ऑफ जो रिएजेंट जो पर है ना, फेनिल आइडोसो डाइसिटेट। ठीक है, तो हमने ये कीटोन का स्ट्रक्चर बनाया। ठीक है, अब जो रिएजेंट से हम लोग वो लिखेंगे, तो रिएजेंट में यूज़ होता है C6H5, मतलब यही है फेनिल आइडोसो डाइसिटेट और CH3OH मतलब मिथेनॉल और विद OH नेगेटिव। ठीक है, और सेकंड में H+ प्रोटोनेशन इन द प्रेजेंस ऑफ बेस ना, H+ होता है इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड। तो हमें जो मिलता है वो क्या मिलता है, एक्लोइन। ठीक है, तो अब हम इसका मैकेनिज्म देखेंगे। तो मैकेनिज्म में पहले तो हम लोग जो कीटोन है उसका स्ट्रक्चर बना लेंगे। अब देखिए इसमें OH नेगेटिव के साथ रिएक्शन होगा, तो ये कुछ इस तरह से बन जाएगा स्ट्रक्चर। तो ये क्या है, ये है इनोलेट एनायन। ठीक है, इसमें देखो ये वाला नेगेटिव चार्ज यहाँ एक बॉन्ड बनाएगा और ये अटैक कर देगा आई पे, आयोडीन पे। ये किसका आयोडीन है, ये वही है फेनिल आइडोसो डाइसिटेट। अब देखो ये यहाँ से ओ एस निकल जाएगा। ठीक है, तो ये जो है ये इलेक्ट्रोफाइल है। ठीक है, अब देखो अब जो हमें जो मिल रहा है वो कुछ इस तरह का मिल रहा है, डबल बॉन्ड हो और ये CH2 और ये आई और ये OAC। ठीक है, अब देखो अब ये HOCH3 इसका लोन पर यहाँ अटैक करेगा और ये इपॉक्साइड की तरह की स्ट्रक्चर बना लेगा। मतलब ये जो बॉन्ड जो है, देखो ये C6H5 जो यहाँ मैं लगाना भूल गया था, C6H5। ठीक है, ये जो न्यूक्लियोफाइल है यहाँ अटैक करेगा, ये जो बॉन्ड जो यहाँ पे इपॉक्साइड टाइप फॉर्मेशन करेगा और ये दो चीज़ निकल जाएगा। ठीक है, तो मतलब ये स्ट्रक्चर को जिससे निकलेगा आर्गन CO और यहाँ बस कार्बन CH2 और ये देखो इपॉक्साइड टाइप है ना, स्ट्रक्चर बन गया इपॉक्साइड। तो उसके बाद अब देखो इसका क्या होगा कि ये CH3OH के साथ फिर से रिएक्ट करेगा। CH3OH एक न्यूक्लियोफाइल है, ठीक है, और क्या नाम है, आइडोबेंजीन डाइसिटेट जो है वो इलेक्ट्रोफाइल है। देखो जो हमें जो स्ट्रक्चर मिला वो इस तरह मिला और इसे हम लोग कहते हैं डाइमेथिल कीटल ऑफ एक्लोइन। अब आप मिल जाएगा एक्लोइन। ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड H+। ठीक है, एक्लोइन ARC डबल बॉन्ड O CH2OH। ठीक है, ये हो गया क्लोइन। ठीक है, हमें मिल गया, इसका नाम लिख लेते हैं, वही जो लिखना है क्लोइन। अब देखो अब हम लोग क्या है, अब इसके क्वेश्चन करेंगे। तो इससे पहले देखो यहाँ पे जो एक हिंट है, ये देखो इतना जो स्ट्रक्चर नहीं है, रिएक्टेंट जो नहीं है, देखो इतना रिएक्टेंट और इतना जो प्रोडक्ट है देखो वो बिल्कुल सेम टू सेम है। कहाँ डिफरेंस है, CH3 में CH हट के OH लग रहा है। अब चलो क्वेश्चन करते हैं हम लोग, अब इसका स्ट्रक्चर बन जाएगा इस तरह से कुछ, सीडल बॉन्ड हो और यहाँ CH2OH। ठीक है, अब देखो वही चीज़, देखो इतना पोर्शन देख लो प्रोडक्ट का, देख लो रिएक्टेंट में सेम टू सेम है ना,
वही चीज़ दूसरे वाले में भी लागू होगा। देखो इतना तो है भाई, प्रोडक्ट का जो है, रिएक्टेंट का जो है, प्रोडक्ट में सेम टू सेम आएगा। बस CH3 में क्या होगा ना, जो लास्ट में CH3 है, सिंगल बॉन्ड हो, देखो इतना तो सेम टू सेम है। और जो ये जो लास्ट वाला जो CH3 है ना, इसमें एच हट के OH लग जाएगा, बस यही है। बाकी का दोनों होमवर्क, और इसको आप ऐसा एग्जाम पे लिख सकते हैं, एग्जाम कॉपी में, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, अब हम लोग करेंगे ईस्टर का रिएक्शन। तो ये क्या, एक ईस्टर है, और रिएजेंट्स लिख लेते हैं। इसमें भी जो रिएजेंट होगा वही सेम C6H5 आई OAC होल ट्वाइस, और इसके साथ CH3OH विद CH3ONA, ठीक है। अब देखो इसका जो प्रोडक्ट बनेगा वो RCH डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O CH3, और यहाँ पर एक OCH3, ठीक है। तो इसे हम लोग कहते हैं अल्फा अल्कोक्सी, अल्फा अलोक्सी ईस्टर, ठीक है। हम लोग इसे मैगनीजियम करेंगे, फिर उसके बाद से क्वेश्चन करेंगे। इसका जो मैगनीजियम है, ये हमने स्ट्रक्चर ईस्टर स्ट्रक्चर बना लिया, ठीक है। और वही सेम OH नेगेटिव बेस की प्रेजेंस में, मतलब OH नेगेटिव बेस ही है। अब देखो ये जो स्ट्रक्चर है ना, ये वही है, इनोलेट एनायन है, ये यहाँ पे आया और ये जो अटैक कर देगा आई पे, ये जो आई है पता है ना किसका है ना, C6H5 आई OAC होल्ड इसका। अब ये निकल जाएगा, वो ऐसे निकल जाएगा। तो अब आगे का बनाते हैं प्रोडक्ट। अब ये देखो यहाँ OAC और यहाँ C6H5, ठीक है। अब देखो ये यहाँ पे अटैक करेगा, और ये जो है ना, ये फिर से वहाँ पे एक इपॉक्साइड का, अब देखो यहाँ पे जो आए है वो एक गुड लिविंग ग्रुप का काम करेगा, मतलब लिविंग ग्रुप का काम करेगा इस कंडीशन पे, और वो निकल जाएगा। अब फिर से OCH3 का, OCH3 माइनस का फिर से अटैक होगा, जैसे कि ये इपॉक्साइड के फॉर्म में आ जाएगा, वैसे फिर से OCH3 का अटैक होगा। OCH3 का अटैक OCH3 माइनस है, देखो यहाँ पे अटैक होगा इसका, ये वाले कार्बन पे, ये वाले, ठीक है। और वही, और ये वाला बॉन्ड जो है वो टूट जाएगा, और यहाँ पे डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लेगा। तो अब दिख ही रहा है, हाँ ये और निकल जाएगा वो CH3, ठीक है। अब देखो अब समझ में आ रहा है ना कैसे बनेगा स्ट्रक्चर, यहाँ पर CH, यहाँ पर C डबल बॉन्ड O, यहाँ पर OCH3, और यहाँ बस जो जुड़ा है वो OCH3। तो बस हो गया ये प्रोडक्ट। अब इसको क्वेश्चन करते हैं, देखो इसका प्रोडक्ट कुछ तरह बनेगा। देखो यहाँ पे आ जाएगा OCH3, बस एक हजार एक एच हट के, ये जो कार्बन उसमें एक एच हट के OCH3 आ जाएगा, मतलब इतना ही बस डिफरेंस है, जो मैंने डॉटर बनाएगा रेड से, बस इतना डिफरेंस है। इसमें भी सेम वही चीज़, यहाँ पे आ जाएगा OCH3, ठीक है। देखो ये जो मैं रेड डॉट डॉट बना रहा हूँ ना, बस इतना ही जो है वो डिफरेंट है। और जो लास्ट वाला ये होमवर्क हो जाएगा, बाकी मैंने कहा था ना कि इसको आप ऐसे एग्जाम्पल लिख सकते हैं अपने नोट्स में, या फिर अपने एग्ज़ाम के कॉपी में जो पेपर मिलेगा आपको, आंसर पेपर में।